बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र के अंतर्गत आरंभा निवासी नंदू आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने परिवार की तंगहाली को दूर करने के लिए रोजी रोटी कमाने निकला नंदू माँ शारदा के मंदिर मैहर पहुँचता है। वहाँ से एक घटना के चलते वह सीधे बॉलीवुड की दहलीज तक पहुँच जाता है। मुंबई मायानगरी में अपने संघर्ष के बदौलत एक्टर नंदू ने अभी तक तकरीबन 1.5 दर्जन सीरियलों और 8 फिल्मों में एक्टिंग कर चुका है। अपने गांव आरंभा से रोजी रोटी कमाने के लिए बचपन में निकले नंदू का अचानक 14 वर्षों के बाद मुंबई से एक्टर बनकर गांव लौटना किसी रोचक और फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नंदू की माने तो 2008 में जब वह मां शारदा के दर्शन करने मैहर गया था, उसके बाद जब वह नागपुर आने के लिए ट्रेन में बैठा तो उसे ऐसी नींद लगी कि वह सीधे मुंबई में नींद से जागा। यहां उसने संघर्ष करके और थिएटर में काम करने के बाद बॉलीवुड की दहलीज में कदम रखा। मात्र 4थी कक्षा तक पढ़ने वाले नंदू टीवी सीरियलों और फिल्मों में एक्टिंग के बदौलत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर 14 वर्ष से अपने बेटे का पता नहीं चलने के कारण उसके माता पिता और गांव वाले नंदू को मृत समझकर उसे भूल गए थे, लेकिन एक्टर बनकर 14 साल बाद नंदू जब अपनी जन्मभूमि माता पिता से मिलने पहुंचा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गाँव का गरीब परिवार का बच्चा था, पढ़ाई में उसको ज्यादा रुचि नहीं थी, बट वो दूसरी क्षेत्रों में ज्यादा कार्य करता था। जैसे कोई काम बता दे वो काम बड़े अच्छे से कर लेता था, डांस करवा ले उसे तो डांस कर लेता था, ड्रामा वगैरह जैसे कोई पार्ट उसको करवा रहे हम कोई चीज़ का एक्शन करने बोले तो वो अच्छे से कर लेता था। आपको उम्मीद थी कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में वो पहुँचेगा, कभी आपका जो शिष्य है कभी इतना नाम कमाएगा, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। एक तो गांव देहात का जो परिवेश था, इस परिवेश में उसने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, हमको उस पर गर्व है। हमने ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी उससे कि वो ऐसा कर लेगा, तो ऐसा नहीं लग रहा था, पर किस्मत उसकी इतने ऊंचे पे लेके गई जी। तो अभी जी, कैसा लगता है जब ये वापस आया तो? अभी बहुत खुशी हुई। और आगे क्या उम्मीद है लड़के से? हाँ, उम्मीद तो है कि और ऊपर बढ़े। परिस्थिति कैसी थी पहले? बहुत कमजोर, बहुत वीक। किराए से रहते थे ये? आप यहाँ किराए से भी रहे? जी जी जी, किराए से भी रहते। इनका व्यवहार व्यवहार कैसा रहा? बहुत अच्छा, पहले तो अच्छा ही था, अभी भी अच्छा। एक्टर नंदू के संघर्ष और रोचक घटना के बदौलत बॉलीवुड की दहलीज तक पहुंचने का कारनामा जब मीडिया की सुर्खियों में आया तो नंदू से मिलने के लिए आसपास के गांव वालों की भीड़ का तांता लग गया। वहीं इस एक्टर से मिलने के लिए लोगों में होड़ सी लगी हुई है। अब अचानक एक्टर बनकर आए नंदू की कामयाबी से उसके परिजन ही नहीं बल्कि सारा इलाका गदगद है। चौदह साल तक के नहीं आए थे तो क्या मन क्या बोलता था? मन ऐसा बोलते था कि मेरा बच्चा है ही नहीं, मर गया। बेटा क्यों यहाँ से चले गया था, क्या बोल के गया था, क्या था वो, क्या कहानी थी? बोला तो नहीं था पर अपने रोजी के लिए गया था, और माँ की श्रद्धा थी, अपने धाम बुलाई और श्रद्धा के कारण उनको काम दिलाई, ठुकराई। उसमें दुख तो बहुत बड़ा होता है, दुख के बाद में ही सुख मिलता है, रक्षा करना। इसने देवी से भी बोला था, माता मेरी बालक की रक्षा करना, मेरे को भरोसा नहीं था कि ये सब दुनिया बोल रही थी कि मर गया, मेरे को भरोसा था कि नहीं मरा, मेरे समय पर मेरी माँ रक्षा करेगी अपने नवयात्रा के समय में। उसी टाइम में नवयात्रा का समय था, उस टाइम में मेरे को रात को दर्शन दे गया, अभी तू काइटली चिंता कर रहा है, बोले तेरा बालक तो तेरे घर को आ गया, बोले कल बिल्कुल तैयारी कर लेना, बोले नागपुर के अंदर ही बालक आया था, फटक दे गया। चौदह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद घर लौटे एक्टर नंदू और उसके परिवार की माँ जगत जननी माता रानी पर गहरी आस्था है। नंदू की इस कहानी में न सिर्फ माँ शारदा की अनुकंपा की बात उजागर हो रही है, साथ ही जन्म देने वाली माँ का विश्वास और अपने बेटे के लिए दुआ करते हुए लंबे इंतजार का परिणाम भी देखने को मिला। नंदू के माता पिता ने अपने बेटे की सलामती और घर वापसी की मन्नत माँ दुर्गा से मांगते हुए जवारा बोने की कामना की थी, और कुछ ही महीने में नंदू जब घर वापस आया तो इस परिवार की माँ भगवती पर आस्था और बढ़ गई। मतलब अपने परिवार से, मतलब कई दिन से 14 साल के बाद में आए, हमको बड़ी मतलब खुशी हुई, और हम मैंने कहा मतलब चलो आ गए तो हम उनसे थोड़ा मिल जाएंगे, दर्शन हो जाए, इस वजह से मतलब यहाँ मिलने आ गए।
कैसा लगा मिलके? बहुत बड़ा आनंद लगा हमको, बहुत बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे मतलब नजदीक के ग्राम का मतलब उधर और मतलब अपने जिले का और अपने मतलब रजिस्टर का भी मतलब बहुत बड़ा मतलब उधर हो गया, इसलिए मतलब बहुत हम बहुत बड़ी खुशी हुई हमको और आनंद है। एक छोटे से गांव में तंगहाल जिंदगी जी रहे परिवार में से पांच भाइयों में सबसे बड़ा भाई नंदू भले ही पढ़ाई लिखाई में गरीबी के कारण तंगहाल था, लेकिन उसकी अन्य रचनात्मक कार्यों में गजब की रुचि थी। यही कारण है कि घटनावश माया नगरी मुंबई पहुंचा नंदू ने आज एक्टर बनकर सबको चौंका दिया। अपने जन्मभूमि लौटकर आए नंदू ने अपने माता पिता और परिजनों के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अपने जन्मभूमि से एक बार फिर कर्मभूमि मुंबई माया नगरी में पैर जमाने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने फिफ्थ वेदा एकेडमी से डांस और एक्टिंग का कोर्स किया और करते करते मैं थिएटर से जुड़ा रहा, आज भी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और वहीं से मैंने सबसे पहला सीरियल किया। सीरियल का नाम था जॉब टाइम टीवी, जिसमें मैं सूर्य नमस्कार का सीन था, उसमें योगा टीचर का एक रोल कर रहा था। उसके बाद कमांड फोर्स किया और वहीं से लाइन लग गई। तो करीब मैंने आज तक के 17 से 18 सीरियलों में काम किया हिंदी और करीब 7 से 8 फिल्मों में मैंने हिंदी काम किया है और अभी मैं बहुत एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। मेरा अपना छोटा सा घर मुंबई में हो गया है तो मैं बेटर लाइफ जी रहा हूँ और आगे मैं कुछ बड़ा करने के प्रयास में लगा हूँ और हो सकता है मैं इसी साल एक फिल्म भी प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। कुछ बांधने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बोलना बहुत आसान है लेकिन कौन इंसान क्या खो रहा है और कितना खो रहा है उससे वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है। बोलना बहुत आसान है, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बालाघाट के लिए कुछ करने की ख्वाहिश? जरूर सर, जरूर, ये तो मेरी जन्मभूमि है और हमारा बालाघाट इतना अच्छा बालाघाट है जिसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे बालाघाट में जो चीज़ है वो हमारे इंडिया के बहुत सारे राज्यों में नहीं है।